अब शाहीन बाग पहुंच गई हैं साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े। कल भी जब बातचीत हुई तो जब मीडिया ने उनसे रिएक्शंस लेने की कोशिश की तो वार्ताकारों का यह कहना था कि बातचीत हुई, हमें सुना गया, हमने लोगों की बात को सुना, लेकिन एक दिन में सुलझने वाला मसला नहीं है ये, इसके आगे भी जब जब बातचीत की जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंचेंगे प्रदर्शनकारियों के बीच। और इसी कोशिश, इसी सिलसिले के तहत एक बार फिर से शाहीन बाग का रुख किया है वार्ताकारों ने। चिराग गोठी इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग में। चिराग, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वार्ताकार पहुंच चुके हैं और तालियों से उनका स्वागत हो रहा है इस वक्त वहां पर। और बताइए किस तरह की हलचल है, कुछ शुरुआत हुई बातचीत की? सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आंदोलन करने का हक हक
आपका बरकरार है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था। लेकिन ये जो याचिका है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, वो याचिका में, उस याचिका में एक सवाल ये है कि ये जो सड़क है ये बंद है, और इस बंद सड़क का जो मुद्दा है उसने सुप्रीम कोर्ट ने हमें आपके पास भेजा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ बढ़ाया कि आपसे पूछने के लिए कि कुछ हम कर सकते हैं इस बारे में, जब तक वो सीए एनआरसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुने। तो हमें ये देखना है संजय भैया, और मैं हमें ही चाहता कि शाहीन बाग से आप उठे, बिल्कुल नहीं, शाहीन बाग बरकरार है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है, और सुप्रीम कोर्ट में आप सबको विश्वास है कि नहीं है? इतने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, सबको है। हम कहते हैं शाहीन बाग बरकरार रहेगा, लेकिन अगर हम मिलके शाहीन बाग के इसी एरिया में, इसी सड़क पे, गलत हो गया, बड़े एरिया में अगर हम एक हल निकालें जिससे आपका आंदोलन भी शाहीन बाग में ही बरकरार रहे, और जो पब्लिक है आप लोग भी ये रोड यूज कर सके, अगर ये हो सकता है तो अगर हेलो हो गया ना, क्या है वो तो होती चाहिए ना, आप क्या कह रहे हैं? प्रेम डिस्टर्ब करो, सब प्रेम आप ले रहे हो यार, बैठो बैठो बैठो, शांति वाली बात नहीं है, फोटो खींच लेना, ऐसी फोटो लगी। तो हम भारत के, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक है ना? सब प्रेम डिस्टर्ब करो, इनका भी मेरा तो घूम घूम के कर रहे यार, मत भाई हमारा काम कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात, आप घूम घूम कर मत, सब ठीक है, हमारा ईमान है कोशिश करना, इनको बोलिए साइलेंट, ठीक है एग्जाम ठीक है ना, और पूरी कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनती तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर और कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा, फिर सरकार जो करना चाहेगी उसको करना पड़ेगा, ठीक है जी जी। तो हम चाहते हैं चीज को हमारी बहने, हमारी दादियां, हमारी बेटियां समझे, गौर करें, क्योंकि देखिए कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम नहीं मानते कि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है। तो अगर हम चाहते हैं हम देश को दिखा दें कि असली नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कोई हल निकले, और यही निकले, शाहीन बाग नहीं निकले, शाहीन बाग बरकरार रहते हुए निकले, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना? शाहीन बाग बरकरार रहेगा, आपको बताने का। अब संजय भैया बोलेंगे आपको। साधना जी जब बोले तो अच्छे अच्छे लोग चुप बैठ जाते। साधना जी ने आपको समझा दिया है सुप्रीम कोर्ट चाहती क्या है। सुप्रीम कोर्ट एक आपको एक बहुत बड़ी चीज तो
भी है और हम सबके लिए। आप ये न देखिएगा कि सिर्फ ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो इश्यू देख रही है वो देख रही है कि आगे जहां भी भारत में प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट कैसे चलना चाहिए, कि शाहीन बाग एक मिसाल होना चाहिए जहां पे आराम से शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट हुई थी और जब किसी को कोई तकलीफ हुई तो सारे मिलजुल के बैठ के कुछ मसला का कुछ हल निकाला, कि ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हम कल सुन रहे थे कि दो महीने से बैठे हैं, आप लोगों की क्या परेशानी है, हम लोग सुन के भी आए हैं सारे लोगों की कि उनके क्या परेशानी है। इस देश में साथ रह रहे हैं एक दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं, पर एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से इस मसले को हल करें तो लोग शाहीन बाग के ये जो न सिर्फ ये जगह पर जो मुद्दा जो आंदोलन चला है उसे एक देश के लिए मिसाल मान लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये ही कह रही है कि प्रोटेस्ट का जो आपका हक है वो बरकरार रहे, प्रोटेस्ट की स्थल या स्थान ऐसी हो जहां दूसरों को तकलीफ ना हो। पर एक 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 आप नहीं क्या कह रहे हैं, नहीं इसलिए कह रहे हैं, मैं बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं, आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहां से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, यही तो डर है ना कि कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, कोई नहीं होगा सुनने वाला। आज जब तक सुप्रीम कोर्ट है आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता है, और आपके आपके लिए आपके तरफ से हम और बहुत सारे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपकी बात बड़े बुलंद तरीके से रखेंगे। पर यह कि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, सबकी सुनती है, उसके भी अपने अपने प्रॉब्लम है। हम आज यही देखने आए हैं कि कुछ ना कुछ हल निकले, आपकी तरफ से निकले, आपकी सहमति से निकले, आपको सुनते हुए निकले। और इसीलिए हम यहां ऊपर खड़े रह के खुतबा देने आए नहीं है, हम आपके आपके बीच आएंगे, आपसे बात करेंगे और एक एक दादी, एक एक बहन, एक एक माँ और सारे भाइयों के से मिलते हुए ये मामला और आगे चलाएंगे। हम आपसे सुनने हम नीचे उतर के आ जाएंगे, आप शांति करिएगा, एक एक को सुनते ही आएंगे, ठीक है। हम नीचे उतर रहे हैं और कहां से बातचीत हो रही है उसे आप सुन रहे थे। साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें वार्ताकार नियुक्त किया है वो इस वक्त मंच से बोल रहे हैं। ये सब हमारा होगा, साधना जी सारे बहनों को सारे भाइयों को
सकती है कि हम पे भरोसा रखे। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन यहां पर मौजूद और एक बार फिर ये समझाने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों की कि ये समय अब बहुत संजीदा बहुत गंभीर है क्योंकि अब यहां से जो बातचीत होगी वो आगे का एजेंडा तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने अभी सीए और एनआरसी को लेकर मामला है वो मामला अभी कानून के दायरे में है लेकिन प्रदर्शन यहां से कैसे आगे बढ़े शाहीन बाग को ये मिसाल कायम करनी है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। हमारे संवाददाता शाहीन बाग में इस वक्त मौजूद है चिराग गोठी और आशुतोष मिश्रा भी। चिराग पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी, सुबह से आप वहां पर मौजूद है और इंतजार इसी पल का हो रहा था, अब जब वहां पर मौजूद है वार्ताकार और जो बातें कह रहे हैं आप अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं, किस तरह से उसे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और क्या अभी आप महसूस कर रहे हैं, बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए जो दोनों ही पक्षकार हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें जो है यहाँ से रखी है दोनों पक्षकारों ने और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है और यहाँ पर अब फिलहाल ये बहस छिड़ गई है कि मीडिया को जो है यहाँ से बाहर किया जाए। हालांकि उनका कहना था जो प्रोटेस्टर्स का कि वो चाहते हैं कि मीडिया यहाँ पर रहे लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी सी उलट हो गई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या वाकई प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो मीडिया क्योंकि प्रोटेस्टर्स ही थे ये जो पहले कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लेकिन अब जो है स्थिति कुछ बदल गई है यहाँ पर मीनाक्षी और यहाँ पर जो मीडिया को ये कहा जा रहा है कि बाहर चले जाइए तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हम लोग थोड़ा बाहर हो गए हैं और ये चूंकि पहले यहाँ पर स्थिति कुछ ये डेवलप हुई थी कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे लौटती हूँ चिराग आपके पास, आशुतोष भी मौजूद है हमारे साथ। आशुतोष कल भी ये सवाल उठा था कि बात हुई थी कि मीडिया के कैमरों के सामने बातचीत ना हो ये वार्ताकारों का कहना था जबकि प्रदर्शनकारी इस बात पर डटे हुए थे कि कैमरों के सामने ही सारी बातचीत हो। आज की स्थिति क्या है, आपको कहां तक अंदर जाने के लिए एक्सेस मिल पा रहा है और जो बातचीत हो रही है किस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है? बातचीत के लिए अभी तक सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम शांति व्यवस्था ठीक हो और बात करें, लेकिन कल भी यही हुआ कि जैसे ही जो पूरा पैनल आया उन्होंने कहा कि मीडिया के कैमरे बाहर हों। अमूमन जब इस तरह की कोई औपचारिक बातचीत होती है तो हमने कहीं नहीं देखा कि इंटरलोक्यूटर्स के आमने आसपास कहीं कैमरा हो, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ कैमरे के सामने हो ताकि वो अपनी बात कैसे कहते हैं, जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कहते हैं वो पारदर्शी हो और पूरा देश उसे देखे। और इसीलिए ठीक शाहीन बाग में यानी मैं ठीक 20 मीटर
मीटर पीछे मैं चाहूंगा आप लोग अगर थोड़ा पीछे हटे तो मैं तस्वीर दिखा पाऊं। ठीक 20 मीटर पीछे वो स्टेज है, वहां से अब पुलिस जो आ गई है, चूंकि अब ये कह दिया गया कैमरे बाहर निकले, तो अब ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि धीरे धीरे कैमरों को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है वो चाहते हैं कि कैमरे दूर हो ताकि लोग नजदीक आकर के उनकी बात कर सकें। तो जो मीडिएशन पैनल है वो नाराजगी दिखा रहा है मीडिया से, जो जनता है वो चाहती है कि कैमरे हों ताकि सब कुछ पारदर्शी हो, लेकिन मुद्दा घूम फिर कर कुल मिलाकर वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुमाइंदों को भेजा है कि रास्ता निकालिए। जब सवाल पूछा गया मंच से कि क्या कोई और रास्ता हो सकता है ये हाईवे खाली करके, जवाब मिला है ना, आज का दिन है, सोमवार को सुनवाई है, देखते हैं रास्ता कैसे निकलता है। आशुतोष एक बात और यहाँ समझाइए, क्योंकि जो तस्वीर अभी हम मंच से देख पा रहे थे कि साधना रामचंद्रन ने जिस तरह से तमाम बातें आगे रखी, उनका ये कहना था कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा लेकिन शाहीन बाग को एक मिसाल कायम करनी है, शायद लोगों को कन्विंस करने की एक कोशिश कि अगर आंदोलन खत्म हो यहां से तो आम लोगों के लिए सुविधा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, ये बातचीत कैसे होगी, एक ग्रुप के तौर पर ही होगी? और उसी लिए शायद औपचारिक ऐलान किया कि आप बताएं बातचीत में हम पांच पांच के लोगों से करें या एक साथ अनाउंसमेंट किया जाए। कल कई बार जो दादियां हैं, लड़कियां हैं जो यहां बैठी हैं धरने पर, वो महिलाएं एक एक करके अपनी बात कहती रहीं। लेकिन हाँ, ये एक व्यवस्था होती है कि जब लीडरलेस जिसे कहते हैं कि ऐसा कोई प्रदर्शन जहां चेहरा ना हो, तो बातचीत की प्रक्रिया में वो मुश्किलें आती हैं। लेकिन इस बीच तमाम सारे वही शाहीन बाग के लोग इस समय अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक सवाल देखिए, एक मुश्किल ये भी है कि जब वो बात करने आए हैं तो बात करे किससे, चर्चा करे किससे, वो एक दिक्कत है। दूसरी, जब मंच पर ही कहा गया कि क्या शाहीन बाग में कोई और रास्ता निकल सकता है, उसके लिए सहमति नहीं दिखाई पड़ रही है। चर्चा किससे करें, ये कोई दिक्कत नहीं, बस ये कोई दिक्कत नहीं, चर्चा हो, सारे लोग वहाँ पर सामने में सारे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग काफी है बताने के लिए, समझाने के लिए। कल रास्ता निकलेगा, जैसे उन्होंने पूछा कि हटा कोई जगह हो सकती है। देखिए एक एक कर सिंपल सा कॉमेंट है, वो इसमें वो नहीं है सर, एनआरसी सीए सरकार वापस ले ले और ये रोड खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि उस वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। आपके पास ये जिस फैसले को लोग अपना यहाँ पे जरूर जो है पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब वार्ताकार मंच पर पहुंचे तो साधना रामचंद्रन ने स्टेज से क्या कहा, एक बार फिर अपने दर्शकों के सुनवाते हैं। हम आज आएंगे क्योंकि आपने कहा था आप आए, आपने बुलाया और हम चले आए। भाई तुम इधर ये देख रहे हो, मैं कैसे भैया, अरे मैं कैसे खड़ा हूँ, ये कहीं तो रुकूंगा, आप यहाँ जाओ, यहाँ कैसे खड़ा हूँ, हमें बहुत सोच समझ के मिल के कुछ बातें करनी है। कल हमें दादियों का आशीर्वाद मिला खूब सारा, दादियों के आशीर्वाद के हाथ हमारे सिर पे थे, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। और एक बार फिर आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं शाहीन बाग की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार इस वक्त मौजूद हैं और बातचीत की कोशिश प्रदर्शनकारियों से हो रही है। आशुतोष मिश्रा भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, कुछ प्रदर्शनकारियों से आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहना है उनका, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी, कैसे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? चिराग मौजूद है हमारे साथ। चिराग, अगर कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, करिए उनसे बात, क्या कह रहे हैं, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी? डिप कर रहा है बैंडविड्थ। चलिए आशुतोष और चिराग के पास हम चलेंगे फिर, लेकिन इस बीच आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मंच की। साधना रामचंद्रन, सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया है, जब वो आई स्टेज के सामने तो उनका ये कहना था कि हमें आशीर्वाद मिला कल यहाँ पर जो उम्र दराज महिलाएं बैठी हैं उनसे, लेकिन अब यहाँ से ये एक अहम समय है जब बातचीत तरीके से होनी चाहिए और ये बातचीत ऐसे हो कि जिसके बाद कोई हल निकले। कानून को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए उस पर हम कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं, लेकिन अगर इस आंदोलन को लेकर शाहीन बाग एक मिसाल कायम करता है तो ये मामला, ये आंदोलन आगे याद किया जाएगा। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब ये बातचीत यहां से आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कौन प्रदर्शनकारियों की तरफ से बात करने आएगा। हालांकि अब तक ये कहा गया है शाहीन बाग की तरफ से बार बार
कि कोई एक नेता नहीं हमारा, लेकिन बातचीत की सूरत क्या होगी इस पर सबकी निगाहें इस वक्त की हुई है और इसीलिए लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के वार्तागारों का स्वागत किया। कल भी जब वो यहां से निकले तो ये कहा गया कि बातचीत एक अच्छे माहौल में हुई, लेकिन अब यहां से आगे क्या, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लिया जाए। तो इस पर साधना रामचंद्रन ने आज ये कहा कि वो कानून और उसे लेकर सुनवाई, दलीलें सुप्रीम कोर्ट के पास। तो लगातार बने हुए हम इस वक्त की बड़ी खबर पर शाहीन बाग से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार इस वक्त मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का आज दूसरा दिन है। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन और उनके साथ कुछ और लोगों की टीम जो है वो आपको मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जब साधना रामचंद्रन मंच पर आई तो उनका ये कहना था कि कल एक अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई, हमें दादियों का आशीर्वाद मिला, लेकिन अब ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है और यहाँ से बातचीत एक सही दिशा में आगे बढ़नी जरूरी है, लेकिन प्रदर्शन ऐसा हो जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कानून वापस लिया जाए, तो इसे लेकर साधना रामचंद्रन का ये कहना था कि मामला अभी कोर्ट में है, इसे चैलेंज किया गया है, लिहाजा अभी इंतजार किया जाए, लेकिन यहाँ पर शाहीन बाग को एक मिसाल जरूर कायम करनी होगी ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि जैसे ही मंच पर पहुंचे वार्ताकार कैसे उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। कि हम आज आएंगे क्योंकि आपने कहा था आप आए, आपने बुलाया और हम चले आए। भाई तुम इधर ये देख रहे हो, मैं कैसे खड़ा हूँ, अरे मैं कैसे खड़ा हूँ, ये देख रहे हो, आप यहाँ जाओ, यहाँ आ सकते हो, मैं कैसे खड़ा हूँ। लेकिन आज हमें बहुत सोच समझ के मिलके ये देखो कि अरे लड़की है, कुछ बातें करनी है। कल हमें दादियों का आशीर्वाद मिला खूब सारा, दादियों के आशीर्वाद के हाथ हमारे सिर पे थे तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसके, और बहनों से और बेटियों से बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारी इज्जत मिली, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और कल हमने कहा था कि भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बेटियां हैं, तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। कल हमने आपको समझाया था, बताया भी था, आपने कई मुद्दे उठाए थे CAA NRC को लेके, कई मुद्दे उठाए थे और बहुत खूबसूरती से उठाए थे और बहुत समझ से उठाए थे। वो सब मुद्दे हमने समझे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो आपके CAA NRC के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं और आपको तो पता ही है CAA एक एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट का, जिसको जिसपे सवाल उठाए गए हैं बहुत से लोगों ने, और वो सवाल सब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो मामला सुनवाई पे आएगा, कोई तारीख नहीं है अभी, CAA NRC का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई पे आएगा, समझ रहे हैं आप। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और वो मामला सुनवाई पे आएगा। तो पूरी ये बातचीत आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ चिराग गोटी और आशुतोष मिश्रा मौजूद है, दोनों शाहीनबाग में इस वक्त मौजूद हैं। चिराग, पहले तो ये बताइए, मीडिया को लेकर भी सवाल उठ रहा था कि मीडिया के सामने बात होगी या मीडिया को बाहर निकाला जाएगा, अभी क्या है वहां पर ताजा तस्वीर?
देखिए अभी जो है स्पीकर जो है वो क्योंकि वार्ताकार मंच पर बैठे हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं अलग अलग तरीके से, जो सीए को एक तरह से कह रहे हैं मना एक तरह से विरोध कर रहे हैं और उनके जो समर्थन में लोग तालियां बजा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने जो है एड्रेस किया और ये कहा कि इस पूरे मसले को लेकर सभी लोग जो हैं वो एक संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं और फिलहाल स्थिति है कि बीच में जब मीडिया वहाँ मौजूद थी तो उनको वहाँ से हटने के लिए कहा गया और ये कहा कि वो बातचीत जो है प्रोटेस्टर से करना चाहते हैं, इस वजह से मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो वार्ताकार हैं उनके बीच बातचीत चल रही है और एक तरह से कहा जाए जो बीच का रास्ता वो निकालने की कोशिश की जा रही है। साधना रामचंद्रन ने बाकायदा समझाया किस तरह से वो यहाँ पर पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने किस सेंस में उनको यहाँ पर भेजा है, ये तमाम बातें जो है बोली गई। लेकिन ऐसे में अब प्रोटेस्टर्स इस बात को समझते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रोटेस्टर्स अब एक एक करके अपनी बात जो है वहाँ रख रहे हैं और साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े दोनों तसल्ली से जो है उनकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन मीडिया जब वहाँ एक कोने में डायस पर थी लेकिन शुरुआत में तो उनको भी साइड में कर दिया गया और ये कहा कि वो प्रोटेस्टर से सीधा बात करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा दूर से ही शूट कर रहे हैं लेकिन सारी तस्वीरें भी साफ यहाँ से दिखाई दे रही है किस तरह से जो यानी अभी एक संवाद की कोशिश वहां पर दिखाई दे रही है। आशुतोष, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी कुछ वन टू वन इंटरेक्शन कुछ लोगों के साथ हो रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रैटेजी शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों की भी तो होगी कि अगर हमसे ये कहा जाएगा तो ये जवाब होगा, आगे हम ऐसे बात करेंगे, इस मसले पर हम एकमत होंगे, क्या वहां से सेंटिमेंट निकल कर सामने आ रहा है? पिछले दो दिनों की बातचीत में एक ही चीज जो शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों ने साफ कही है वो ये कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक ये सड़क नहीं छोड़ेंगे, रास्ता नहीं बदलेंगे, ना ही किसी और जगह ले जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल भेजा है वो ये समझा रहा है कि एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लिए ताकि आपके प्रदर्शन की भी इज्जत रहे, आपका वो अधिकार भी बना रहे और जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि लोगों के रास्ते बंद हो रहे हैं उस पर दिक्कत ना हो, वो रास्ता खुल जाए, तो उसी रास्ते को निकालने के लिए शाहीनबाग के रास्ते पर कोशिश हो रही है, मध्यस्थता चल रही है, लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन लोगों से जानना जरूरी है, उन्हीं शाहीनबाग के प्रदर्शनकारी महिलाओं में से मेरे साथ जो कुछ लोग जुड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये जो लोग आए हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि क्या जगह बदली जा सकती है, क्या इसे कहीं और ले जाया जा सकता है, जो अब तक समझ में आ रहा है लोगों की राय क्या है, महिलाएं क्या चाहती हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की फैसले का या जो भी अभी आए हैं बात करने के लिए उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में दिल्ली से लेके कहीं भी मेट्रो का खुदाई का काम जब चलता है किसी भी रोड पे कि मेट्रो अंडरग्राउंड खुदाई चलता है। मैं चाहूंगा सीधे मुद्दे पर आएं, एनआरसी ये कह रहे हैं कि यहाँ से क्या रास्ता बदला जा सकता है। सुनिए, जो आप एक मिनट जो आप बता रहे हैं कि यहाँ से एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ ठंड ने, उस वक्त मैं क्यों ने सुप्रीम कोर्ट जो है ने पहल नहीं किया, आज जो है ने बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट जी सर कहाँ सर देखिए सर, कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को परेशान ना करे, ये हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है। लेकिन लौटते हैं आपके पास आशुतोष, लेकिन शाहीनबाग में संवाद का ये दूसरा सत्र जरूर शुरू हो चुका है लेकिन वार्ताकार शाहीनबाग पहुंचे भी हैं कल की बातचीत के बाद, ये आज दूसरा दिन है, कल बेनतीजा रही लेकिन उम्मीदों के साथ आज बात आगे बढ़ रही है, पर क्या ये बातचीत मंजिल तक पहुंचेगी ये सवाल सबके जहन में बना हुआ है। जिस पे सवाल उठाए गए हैं बहुत से लोगों ने और वो सवाल सब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो मामला सुनवाई पे आएगा, कोई तारीख नहीं है अभी, सीए एनआरसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई पे आएगा। ये हमारे हित में फैसला नहीं है, इसीलिए तो हम लोग रोड पे बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। ये एनआरसी जब तक हमारे पीएम वापस नहीं लेगा जब हम इधर ही रहेंगे। ये काला कानून हटा दें, हम लोग को ये कानून नहीं चाहिए। जब तक मोदी बैठाएंगे जब तक बैठे नहीं जाएंगे। ये शाहीन बाग में राउंड वन की बातचीत का निचोड़ है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचे थे, प्रदर्शनकारियों को अपने आने का मकसद बताया था, उनसे उनके मन की बात जानी थी। पहले दिन कदम तो आगे बढ़े लेकिन पहले पड़ाव पर आकर ही ठिठक गए। कल हमने आपको समझाया था, बताया भी था, आपने कई मुद्दे उठाए थे CAA NRC को लेके,
कई मुद्दे उठाए थे और बहुत खूबसूरती से उठाए थे और बहुत समझ से उठाए थे। वो सब मुद्दे हमने समझे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो आपके सीएए एनआरसी के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। बुधवार को वार्ताकार की टीम इस भरोसे के साथ लौटी कि ये कोशिश जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों की ओर से आवाज आई कि जब तक सीएए एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया जाता वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। जब हम आराम से बैठे हैं, जब एक गोली चल रही है तब इसे खाली करके जिम्मेदार कौन बनेगा इसका है? हमारे बंद में ही गोली चला रहे हैं, औरतों को भेज रहे हैं और पुलिस को दे रहे हैं, हम तो ये छोड़ रहे हैं तो तुम्हारी मिली भगत है। भरोसा ने दिया है, उम्मीद है कि हल कुछ निकालेंगे। हमने कहा है कि हमको कोर्ट पर बहुत ही भरोसा है, आप ही लोग जनता मोदी और अमित शाह को कह करके आप ही लोग जनता के हक में हल करेंगे। ये कल की बात थी, आज नई शुरुआत है, लेकिन सुलह के रास्ते में मुश्किलें भी तमाम हैं। सवाल है कि क्या आज की पहल परवान चढ़ पाएगी, क्या शाहीन बाग के आंदोलन का अंत होगा, क्या आंदोलनकारी रास्ता खाली करने को राजी होंगे, क्या आंदोलन शाहीन बाग से कहीं और शिफ्ट होगा, क्या केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा शाहीन बाग आएगा। हमें पूरा उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट पर, जो आए थे बंदे हमारे साथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और पर हमने भी उनकी बड़े प्यार से बात सुनी और हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा हक है, पूरा हक है तुम्हारा प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इस रोड की वजह से कह रहे थे। हमने भी ये कहा कि हम इस रोड से तभी तो हटे जब हमारा फैसला आ जाए। 68 दिनों के गतिरोध से ये तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने गेंद शाहीन बाग के पाले में ही डाल दी है। शाहीन बाग के संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, वार्ताकार की नियुक्ति भी कोर्ट ने ही की है, इसलिए केंद्र सरकार के पास देखने और इंतजार करने की गुंजाइश भी है। बड़ा सवाल ये है कि अगर समझौते की कोशिश कामयाब नहीं रही तो क्या होगा। दिल्ली से चिराग मोठी के साथ आज तक ब्यूरो। शाहीन बाग के रास्ते में मुश्किलों से भरे तमाम मोड़ हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नागरिकता कानून खत्म हो, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि कदम वापस खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजन की पेमेंट मंडी वापिस नहीं होगी। या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। शाह से लेकर मोदी तक शाहीन बाग पर जुबानों से जैसे तीर चले, उससे साफ हो गया कि आंदोलन को खूब खाद पानी दिया गया। केजरीवाल एंड कंपनी को ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो शाहीन बाग को प्रायोजित करने और शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। खाई तो पहले से थी, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने शाहीन बाग और सरकार के बीच अविश्वास का दायरा और बढ़ा दिया। चुनाव के बाद केजरीवाल तो केंद्र से सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और शाहीन बाग अपनी जगह खड़ा रह गया है। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन बाग को कुछ प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने, जो प्रोफेशनल तरीके से, जो पेशेवर तरीके से लोगों को प्रोवोक करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, उन्होंने जो है वो शाहीन बाग को इन प्रोफेशनल प्रोवोकर्स ने प्रवोक करने की प्रयोगशाला बना ली। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है सरकार की तरफ से ही बातचीत की पहल की जानी चाहिए थी, मगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और जल्द जो है इसको निपटाया जाए, क्योंकि कई लोगों को भी इससे परेशानी भी होती है। शाहीन बाग का मसला बेहद पेचीदा है, प्रदर्शनकारी जानते हैं शाहीन बाग से हटे तो आंदोलन का असर भी औंधे में गिर जाएगा।
अगर आंदोलन से रास्ता ना रुकता तो शायद रास्ता निकालने की इतनी कोशिश भी नहीं होती। ये आंदोलन अगर सुर्खियों में है तो शाहीन बाग की वजह से है। हमारी तो यही मांग है कि ये जो सीए एनआरसी एनपीआर जो आया है इस कानून को ले ले सरकार, और हम हाथ जोड़कर अपने सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारी बात सरकार के थ्रू पहुंचाए। उनसे कहें मोदी जी हमारे बड़े हैं, हमारे बाप के समान हैं, वो इस कानून को लेकर आए हैं तो इसे रिजेक्ट करें, क्योंकि 135 करोड़ लोगों का के लिए है, कोई हम शाहीन बाग के लिए नहीं है। शाहीन बाग में मसला ये फंस रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नागरिकता संशोधन कानून को सरकार वापस ले, जबकि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में साफ कहा था कि सीए पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, लिहाजा बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है ताकि समाधान भी निकल आए और साख भी ना गिरे, लेकिन ये आसान नहीं है। चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग में, और देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि बातचीत वहां चल रही है। आशुतोष अभी वहां पर क्या चल रहा है, कैसे बातचीत हो रही है? आप इससे पूछे क्या होता है ना, आप बोलते हैं यहाँ बच्चों को मारा जाता है, मैडम ये बच्चे सीखे भी है, मैडम ये बिल्कुल कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किस कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ जितने भी लोग हैं सबके प्राइम मिनिस्टर है, सिलेंडर है छोटी, सिलेंडर है छोटी, सिलेंडर है छोटी, हमारे होम मिनिस्टर साहब है शाहीन बाग में हलचल इस वक्त तेज है, और यह हलचल इसलिए क्योंकि बातचीत का आज दूसरा दिन, हालांकि कोई चेहरा नहीं, कोई नेता एक नहीं, तो इसलिए इंडिविजुअली एक एक करके बात हो रही है यहां पर प्रदर्शनकारियों से, और अपना मत वहां पर लोग रख रहे हैं, लेकिन तालियों की गूंज भी आपको सुनाई देती है। तो बड़े ही सब्र के साथ, धैर्य के साथ वार्ताकार जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं वो भी सुन रहे हैं कि क्या बात यहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब तक जब इतने दिन बीत गए प्रदर्शन को, और जो मांग लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से रही कि कानून वापस दिया जाए, कोई नुमाइंदा केंद्र सरकार का आकर उनसे मिले, मंत्री आकर उनसे मिले,
तो इन मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी, और अब ऐसे में बातचीत किस दिशा में आगे जाएगी ये देखना होगा। हमारा भी हाथ है, सबका हाथ है, इंशाअल्लाह मैं सुन रहा हूँ, इंशाअल्लाह माहौल बदल जाएगा, प्रेम का माहौल आ जाएगा। बिल्कुल एडवोकेट साहब और साहबा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उसी दिन का धन्यवाद आ जाए बातचीत की कोशिश। वहां पर प्रदर्शनकारी अभी भी बड़ी तादाद में वहां पर जुटे हुए हैं, हालांकि साधना रामचंद्रन जब मंच पर पहुंची तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ये समझाने की कोशिश जरूर की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है, बारीक नजर बनाए हुए है, और यहाँ से जो संदेश आगे जाएगा वो इस आंदोलन के हिसाब से एक मिसाल बननी चाहिए। आम लोगों को परेशानी ना हो इस बात का ख्याल आप लोग रखें, और क्या कोई दूसरा हल निकल सकता है इस दिशा में अपने जवाब अपना रिएक्शन हमें दे, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को जाके इस बात की जानकारी दे सके। आपके कहे हुए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्वीर पेश कर सके। हालांकि कल ये सवाल भी उठे थे कि मीडिया के सामने ये बात ना हो, वार्ताकारों का कहना था, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए थे कि मीडिया के कैमरों के सामने ये बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात। लेकिन आज भी जब ये बात हो रही है तो एक एक करके जो लोग वहां पर मौजूद हैं, मुखर हैं, उनकी बात को इस वक्त पूरे धैर्य के साथ वार्ताकार सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या प्रदर्शनकारी यहां से हटेंगे, क्या शाहीन बाग तो लगातार आपको हम शाहीन बाग से कवरेज दिखा रहे थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार मौजूद है, बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या कोई हल निकलेगा, क्या शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी उठेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जवाब अब देंगे यहां से आगे वार्ताकार।